हेलो दोस्तों, मैं चंद्रप्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लासेज के बारे में। आपको पता है हमारी पॉडकास्ट क्लास चल रही है, और पॉडकास्ट क्लास का सीधा सा मतलब है कि ये हमारी ऑडियो क्लासेज हैं। और ऑडियो क्लासेज भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुणवत्ता को इसमें रखा गया है। तो आप सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि वर्तमान में हमारी संविधान विषय की ये क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत हम मूल अधिकार टॉपिकों को ख़त्म करने वाले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम समाप्त करने वाले हैं। और अभी तक हमारी 15 क्लासेज हो चुकी हैं, 15 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आप देखेंगे कि लगभग 2300 से अधिक स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हम जो डेली क्लास लेते हैं, उस डेली क्लास पर बेस्ड टेस्ट रहता है, और ये टेस्ट पूरी तरीके से एमपीपीएससी मेंस 2015 के फॉर्मेट पर आधारित होता, सॉरी एमपीपीएससी मेंस 2020 के फॉर्मेट पर आधारित होता है। और कुल मिलाकर देखें तो डेली जो है 30 नंबर का एक टेस्ट होता है, और 30 नंबर के टेस्ट का यदि हम विभाजन देखना चाहें, आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट में तीन तीन नंबर के 3 प्रश्न रहते हैं, आपके 5 5 नंबर के 2 प्रश्न रहते हैं, और एक जो प्रश्न होता है वो 11 नंबर का रहता है। तो इस तरीके से ये डेली टेस्ट होता है। अभी तक 15 टेस्ट हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि 15 क्लासेज हो चुकी हैं। और बेहतर चीज़ ये है आपके लिए कि हम हर टेस्ट का मूल्यांकन करते हैं। जो भी लोग हमें टेस्ट लिखकर पीडीएफ फॉर्मेट में भेजते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको हम चेक करते हैं। मतलब कहने का कि आपका जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन आपका किया जाता है। शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं आपका ये डेली मूल्यांकन हो रहा है, काफ़ी बच्चों को फायदा हो रहा है। लगभग हमारे पास आप देखेंगे 70 से 80 जो स्टूडेंट हैं वो डेली अपने आंसरों को चेक करवा रहे हैं। तो यदि आप भी लिखना चाहते हैं दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि हाँ आप भी मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें, तो आपको लिखना चाहिए, मेरी आपको राय है। तो इसके लिए कुछ नहीं कहना है, सीधा हमारे टेलीग्राम पर आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। नहीं भी मिलती है तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए जीएस पाठशाला आईएएस। तो अगर आप जीएस पाठशाला आईएएस टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो बहुत आसानी से आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, जिसके लिए वीडियो बनाया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब हम थोड़े से अपने फॉर्मेट को थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ अन्य क्लासेज भी जो है स्टार्ट की जाए। और आप देखेंगे यदि इन अन्य क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि स्टूडेंट की डिमांड है, 2 क्लासेस की काफ़ी डिमांड आ रही है। पहली जो क्लासेज हैं अगर देखा जाए तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स की डिमांड काफ़ी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी करवा दीजिए, पहले भी हमने एनसीईआरटी करवाई थी कुछ, तो आगे बढ़ा जा सकता है इन पर। तो दोस्तों मेरा मानना है कि रोज का मैं आपको किसी भी एनसीईआरटी का एक एक करके एनसीईआरटी लेते हुए, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करवाया जाए, एक चैप्टर करवा सकते हैं। तो एक चैप्टर का वीडियो बनाने का मेरा जो है प्रायोजन है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो वीडियो बनाऊँ मैं आपको इसी फॉर्मेट पर बनाऊँ, एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर नहीं पढ़ाऊँ, बल्कि एनसीईआरटी बुक्स का जो कंसेप्ट है चैप्टर नेम आपको बता दूँ और उस अनुसार आगे बढ़ूं। तो आप देखेंगे जो आपकी क्लियर समझ होगी वो आपको डिस्क्राइब कर दी जाएगी, और काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप देखेंगे तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी जो लोगों की डिमांड है वो है आपकी इथिक्स को लेकर, जो कि एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, इथिक्स की वो बोल रहे हैं कि सर नीति शास्त्र वाला जो कोई तो पेपर है, जो फोर्थ तो पेपर है नीति शास्त्र का, उसे करवा दीजिए। हालांकि ये पेपर 200 नंबर का है, तो उनका मानना है कि सर अगर ये जितना अच्छा होगा तो 125 से लेकर 140 तक नंबर हम गेन कर सकते हैं अगर आप कराएंगे तो। तो ये भी उनका सुझाव बेहतर है कि एथिक्स को ख़त्म किया जा सकता है। एक स्मॉल सब्जेक्ट है, छोटा विषय होने के कारण इस पर आसानी से कमांड बहुत कम समय में हम जो है बना सकते हैं।
तो ये दो फॉर्मेट एनसीईआरटी बुक्स का और आपके एथिक्स का ये हम स्टार्ट करने के प्लान से हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा आपका पॉडकास्ट क्लास तो चलती ही रहेगी और लगातार चलेगी ये क्लासेस जब तक कि हम पूरे एमपीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस को अपने ऑडियो में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स को हम लाते हैं कल से और साथ ही साथ है आपका जो एथिक्स है उसको भी हम लेकर चलते हैं। तो ये तीन चीज़ों को अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कल से और डेली आपको क्लासेज मिलेंगी जिसमें पॉडकास्ट आपका ऑडियो रहेगा पूरी तरीके से, जबकि आपकी एनसीईआरटी और एथिक्स को हम इसी फॉर्मेट में लाएंगे, इसी फॉर्मेट में आपको समझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्तों आपको इस चैनल से अगर लाभ मिल रहा हो जितने भी लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि तो काफ़ी लोग हैं जिनकी पहुंच अच्छे चैनलों तक नहीं होती है और कुछ लोग पढ़ाई का मतलब भी नहीं समझते हैं, उन्हें सिर्फ लगता है कि इन्फॉर्मेशन ही पढ़ाई है, सूचनाएं पढ़ाई नहीं होती हैं। सूचनाएं तो आज आप जानते हैं ग्लोबल युग है, सूचनाएं बहुत हैं, तो कौन सी सूचना हमें पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाइए, साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप अन्य लोगों को भी जोड़िए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप जोड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। तो आपको बहुत जो है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ आपसे कल इसी फॉर्मेट में एनसीईआरटी की क्लासेस के साथ और तब तक के लिए आपसे विदा लूँगा, धन्यवाद।